जय हिंद जय भारत। अलवर एआरओ का पहला दिन है आज 10 सितंबर, और अलवर एआरओ की रैली भर्ती स्टार्ट हो गई है और ये पहला बैच आपके सामने शुरू हो चुका है। ठीक है, 200 का बैच है, ग्राउंड 320 मीटर का है, ग्राउंड में 320 मीटर का ग्राउंड है, ग्राउंड में 5 चक्कर लगाने हैं आपको। और एक और जानकारी दे देता हूँ आप सभी को, ठीक है, नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूर मत भूलना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेकर आने हैं, वरना गेट पे एंट्री नहीं हो रही है। विशेष ध्यान दे ले, जो भी अभ्यर्थी सेना भर्ती में भाग लेने के लिए आ रहे अलवर एआरओ की रैली भर्ती में, वो अभ्यर्थी इस बात को अच्छे से ध्यान में ले लें कि आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, एफिडेविट, आधार कार्ड ओरिजिनल और अपनी 10वीं 12वीं 8वीं की अंक तालिका जिस तरीके से आपने फॉर्म भर रखा, और साथ में पासपोर्ट साइज की फोटो, ये सारे डॉक्यूमेंट, चरित्र प्रमाण पत्र, प्रमाणित किया हुआ सरपंच या स्कूल की मोहर प्रधानाचार्य की, सारे ओरिजिनल दस्तावेज लेकर ही आए, वरना गेट पे एंट्री नहीं हो रही है। आज भी इस रैली भर्ती में कम से कम 3,500 युवा आए थे, उनमें से 1,000 युवा बिना डॉक्यूमेंट कंप्लीट आए थे, डॉक्यूमेंट अनकंप्लीट थे, उन युवाओं को यहां से एंट्री नहीं दी और उनको भगा दिया गया। फिर 2 मिनट में कोई होंगे 2 राउंड। चलो 5 राउंड कटवाएंगे भाई, 5 ना कटवाओ। तो पकड़ लिया मेरा बाप दो कभी होना, अगला नहीं कट कर देगा क्या लो देख। चार राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, लास्ट राउंड, लास्ट आखिरी लेप, लास्ट राउंड बचा है। ग्राउंड 320 मीटर का है, इसलिए ग्राउंड में 5 चक्कर लगाए जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नए वीडियो में। पूरा तो लेंगे थोड़ा मेरे हिसाब से, अभी वो लाइट कंट्रोल करेगा।
साढ़े पांच टाइम दे रहा जी मेरा बाप और फोरों मेरे साथ पकड़ लिया मैं तीसरा फोरा।